दादरा नगर हवेली एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर सरकारी बाबू लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक जनता पर नियम थोप देते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा सिलवासा के वाइन शॉप पर देखा गया। जी हां, इससे कुछ एक घंटों पूर्व हमारी चैनल द्वारा वाइन शॉप पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य के नियम से जुड़ी खबर को प्रदर्शित किया था, जिसे आपने शायद देख भी लिया होगा। मगर यह तो सिक्के का एक ही पहलू था। दूसरे पहलू की बात करें तो आबकारी विभाग द्वारा दादरा नगर हवेली में स्थित सभी वाइन शॉप्स पर शराब लेने के लिए आते लोगों का कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया है और टेस्ट के बाद ही उन्हें शराब खरीदने की अनुमति देने का आदेश भी जारी किया गया है। मगर इसी सिलवासा शहर में SBI बैंक के पास आए हुए एक वाइन शॉप में लगभग 300 मीटर तक लंबी कतार देखने में आई थी, जहां पर किसी भी प्रकार का टेस्ट किए बिना ही धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही थी। हालांकि एक ही शहर में दो अलग नियमों के बारे में जानकर लोग भी भ्रमित हो गए थे और प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही इस दोगली नीति के खिलाफ भड़क भी गए थे। ऐसे तो अनेक निर्णय है जो प्रशासन द्वारा लिए गए हैं, जिसमें उनकी दोहरी नीति जनता के सामने आई है और कई लोगों को ऐसे निर्णयों से तकलीफों का सामना भी करना पड़ा है। प्रशासन को अगर नियम लागू करने ही है तो प्रदेश में सभी और बराबर के हिसाब से लागू करे। गुजराती में एक कहावत है कि एक ने गौड़ बीजा ने खौड़, यही नीति स्थानीय प्रशासन प्रदेशवासियों के लिए अपना रहा है, ऐसी चर्चा स्थानियों में हो रही है।